सो बेटे राइट डाउन फर्स्ट एल्काइन दैट इज इथाइन. प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन्स. हायर एल्काइन बनेंगे मींस जैसे कार्बन और जुड़ते जाएंगे, दो कार्बन से तीन चार ऐसे बनाना, दैट इज हायर एल्काइन. ठीक है. अब बेटे सी एल्काइन इफ यू प्रोवाइड सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. ठीक. यस्टरडे ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू बेटे दिस एल्काइन इज एसपी हाइब्रिडाइज्ड, पर मैंने कहा था घर पे पढ़ के आना. ठीक है. दिस एल्कीन इज sp2. एनी एल्कीन इज sp2. आदित्य अनमोल. दिस एल्केन इज sp3. If it is sp hybridized, it has more S character, that is 50%. Okay, it has 33 point something, it has 25. Okay, so agar is carbon ka 50% hai, iska matlab iske paas jo electron hai zyada s orbital mein. Jab s orbital mein electron honge to ye shared pair of electron ko apni taraf khichne ki tendency rakhti hai. एस ऑर्बिटल इज नियर टू न्यूक्लियस. ठीक है. तो जब ये शेयर कर रही होती है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस इसको दे दोगे तो ये एच एस एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा. इसका मतलब ये क्या एक्ट किया एज एन एसिड. जब इससे एच पॉजिटिव निकला तो ये क्या बना, एक एसिड बना. अब एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट. तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा एक जैसा. ठीक है. तो यहां पे इसका एन ए यहां पे लग जाएगा. और इसका जो एच है वो निकल गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम. बाकी जो बचा ठीक है, मीन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटाइलीन बन गया. समझ आ रही है. मींस इसकी एसिडिक नेचर का भी पता चला. ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है. अभी हमने प्रेपरेशन कुछ नहीं करी, हम अभी हमने आगे करना है बेटे. हाँ जी हाँ जी. अभी ये एक तरह की केमिकल प्रॉपर्टी होगी ना. केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी कि एसिडिक नेचर है इनकी. ठीक है. हमने कोई प्रेपरेशन अभी नहीं करी, हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी करी है जो बता रही है कि एल्काइन के पास कौन सी नेचर है, एसिडिक नेचर. अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेके आते हो तो उसमें से एच पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, जो टर्मिनल एच होता है. टर्मिनल एच ही ज्यादा एसिडिक होगा, बीच वाला एच कभी नहीं, बीच वाले में एच आना ही नहीं है, कभी आ सकता है. सोचो एल्काइन में बीच वाले में एच आ सकता है कभी. अगर जैसे मैं ब्यूटाइन बनाऊं तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और साइड में अगर कार्बन लगे हैं तो वैलेंसी पूरी. समझ आ रही है. अगर मैं प्रोपाइन बनाऊं तब एक एच आएगा. अगर ब्यूटवानाइन बनाऊं तब भी एक ही एच आएगा, क्योंकि बाकी की तो वैलेंसी पूरी हो जानी है. मीन्स टर्मिनल पे ही हाइड्रोजन होगा, जब होगा तभी होगा. ठीक. अब यू हैव टेकन अ बेस और आपको एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटाइलीन या सोडा एसिटाइलाइड बन गया, इट्स 23. अब इसके बाद ये जो चीज बनी इसको आप फर्दर रिएक्ट करोगे कि हमने हायर एल्काइन बनानी. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बेटे क्लोरोमीथेन के साथ हम रिएक्ट करते हैं हेलो एल्केन, इन्हें क्या कहते हैं, हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड्स. ठीक है. हेलो मींस क्लोरो, एल्केन मींस मीथेन. ठीक. एल्काइल मींस मिथाइल क्लोराइड. ठीक. इनके साथ इनकी प्रॉपर्टी होती है दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर आप करोगे ऑर्गेनिक का, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये सीएल क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको कोई न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इसकी जगह ले सकता है। अब क्योंकि ये सॉल्ट बन गया, अब सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एनए क्या हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव पार्ट से इससे अटैक कर सकता है, क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये एनए पॉजिटिव ये यहां पे आके अटैक करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगी, प्रोपाइन बन जाएगी। यू विल गेट प्रोपाइन, तो यू आर गेटिंग प्रोपाइन फ्रॉम कहां से, इथाइन। तो कन्वर्जन्स ऐसे पूछी जाएंगी, कन्वर्ट इथाइन इनटू प्रोपाइन। आपको बीच वाले में कोई नहीं बताएगा आपको किसके साथ रिएक्ट करना है, आपको पता होना चाहिए किसके साथ रिएक्ट करना है। समझ आ रही है? मींस अगर आपके पास चिराग, आपके पास दो कार्बन हो, आगे ज्यादा बन रहे हो और एल्काइन बन रही हो, तो इसका मतलब बीच में कहीं सोडामाइड है और उसके बाद कोई ना कोई हेलोएल्केन के साथ आप रिएक्ट करना है आपको। छोटी एल्काइन से अगर बड़ी बन रही है तो बीच में ये वाली रिएक्शन चलेगी। अब इसकी एग्जांपल लेके आप बनाओ, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इथाइन इनटू ब्यूटाइन, ब्यूट वन आइन कन्वर्ट, जस्ट राइट इथाइन इनटू ब्यूट वन आइन। अब एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या करना है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा नंबर लेने के लिए। हो गया, बन गया। ब्यूट बन रहा है क्या? बन गया। आपने बस यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लोरोइथेन ले लेनी है, बस ब्यूट वन आइन बन जाएगा, दो कार्बन लग जाएंगे। आपको कन्वर्जन्स में या ऑर्गेनिक में तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्जन्स, ठीक, नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट, या कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन एक दो नंबर की आती है, कन्वर्जन्स भी देखो ऑर्गेनिक कितने की होगी, टोटल 10 मार्क्स की माननी या 50, अब तो ज्यादा की होगी क्योंकि आपकी अभी प्रोडक्ट टेस्ट में ही आनी है तो लिमिटेड सिलेबस होगा। तो अगर मान लो 40 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट है तो आप मान लो 20 मार्क्स की ऑर्गेनिक होगी, तो आपके कितना कुछ पढ़ा है, आपकी नेमिंग पढ़ी है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, आपकी कंप्लीट डायरेक्शन पढ़ी है, आपकी नेमिंग पढ़ी है। एक बार छोटा सा क्वेश्चन, जो हमने डीओसी पढ़ी है उसमें जो ये फैक्ट्स है वो तो लोग एक्सप्लेन करके मॉडलिंग को हाँ, मतलब व्हाट व्हाट एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 मार्क्स के व्हाट भी पूछे जाते हैं कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं। हाँ पूछे जाते हैं, व्हाट डिफाइन वही होता है, डिफरेंशिएट करो इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक, डिफरेंशिएट करो रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं सबके, सब एक जैसे नहीं है, सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो कई ऐसे क्वेश्चन करके पास होते हैं। हाँ याद करनी पड़ेगी। रोल नंबर टू, ये क्रैमर्स जल्दी कर लेंगे, दे विल डू, दे विल पास। चलो अब क्वेश्चन आता है, ब्यूट वन आइन तो कर लिया आपने, अगर आप ब्यूट टू आइन बनाना हो तो, ब्यूट वन आइन तो हो गया, अगर ब्यूट टू बनाना हो तो कैसे करोगे? अब पहले आप प्रोपाइन बना लो, बनाओ पहले प्रोपाइन,
हाँ प्रोपाइन बनाओ, जैसे बनाया था प्रोपाइन बना लो। जब प्रोपाइन बन गया तो मुझे बता देना कि मैम हमने बना लिया प्रोपाइन। अभी बनाया था ना हमने फर्स्ट सेक्शन, प्रोपाइन ही बनाई थी जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी, दैट इज प्रोपाइन। वो दोबारा लिख लो रिएक्शन, लिख ली। पहले आपने इथाइन को सोडामाइड के साथ रिएक्ट करना है, फिर उसके बाद जो भी आपका आया उसको आपने क्लोरोमीथेन, जिसके साथ मर्जी ब्रोमोमीथेन, जो भी मर्जी एलो कुछ भी ले लो। कर लिया, प्रोपाइन बन गई सबकी, एवरीवन। अब प्रोपाइन को फिर से सोडामाइड के साथ रिएक्ट करो, फिर से करो, यहाँ प्रोपाइन बनी होगी। अब आप फिर से सोडामाइड के साथ रिएक्ट करो। अब हमारे पास एक एच और बच रहा है बस, जो टर्मिनल है। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपाइन बनेगा आपके पास। जो प्रोपाइन बनी है ये बनी है, आपने ये रिएक्शन लिख ली होगी, जो रिजल्ट आया उसको सोडामाइड के साथ फिर से रिएक्ट करो। ये बन गया, सबका बन गया। अब इसको फिर क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करो, इसको ये जो बनाया है इसको क्लोरोमीथेन के साथ फिर से रिएक्ट करो। तो अगर ब्यूट वन आयन बनाना हो तो सीधा सीधा हो जाता है, मगर टू बनाना हो तो मैं थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथ ही चला जाता है, क्योंकि बीच में दोनों एच रिमूव करने पड़ेंगे आपको। इथाइन के एक्चुअली हमने किया क्या है, दोनों के दोनों एच गए हैं अगर देखा जाए तो। आप ये भी कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप में ही दोनों एच रिमूव कर सकते हो। अगर फर्स्ट स्टेप में दोनों एच रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे भी सोडियम, यहाँ पे भी सोडियम आ जाएगा दोनों में। फिर इसको उठा के 2 मोल्स ऑफ क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करोगे तो एक तरफ CH3 आएगा, दूसरी तरफ भी CH3 आएगा। बात समझ आई? गॉट इट? तो मैंने ऐसे क्यों करवाया कि आपको पता चले कि टर्मिनल को कैसे रिप्लेस करना है। आपके दिमाग में कन्वर्जन में आपको इथाइन टू ब्यूट वन आइन भी पता होना चाहिए, इथाइन टू ब्यूट टू आइन भी पता होना चाहिए, ठीक है? ब्यूट वन आइन तो डायरेक्ट है, बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। ब्यूट टू आइन बनाने के लिए आपको दोनों हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है? या फर्स्ट स्टेप में ही दोनों रिमूव कर देना, फर्स्ट स्टेप में ही 2 मोल लेके दोनों रिमूव कर देना, तो क्या होगा? अब जब इसको आप क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करोगे तो CH3, सॉरी क्लोरोमीथेन से, तो CH3 एक यहां लग जाएगा और एक इस तरफ लग जाएगा। अभी तो ये सिंपल है बेटे, ये ही लेंथ ही कन्वर्जन में जाएगी, तब हमारे में दिमाग चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये स्टेप ना इन्वॉल्व हो। पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर 2 कार्बन से 3, 4, 5 बन रहे हैं, हाइड्रेनकाइन बन रही है, तो इसका मतलब ये बीच में कुछ है, ये एसिडिक करेक्टर का कुछ है। आपने कार्बन बढ़ाने ऐसे ही बढ़ेंगे, ठीक है? दूसरा आपने ये ध्यान देखना होता है कि 1 पोजीशन पे है या 2 पोजीशन पे।
समझ आ गई? टू पोजीशन में जब दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए, वन पोजीशन पे तब आता है जब एक ही हाइड्रोजन रिमूव होता है। ओके, अब हमने कॉलबेस करी, सब में करी है, हमने एल्केन में भी करी है, हमने एल्कीन में भी करी है। एल्केन में जब करी थी हमने सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, जब एल्कीन में करी तो हमने कौन सा लिया? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इधर भी हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, मगर उसमें डबल बॉन्ड पहले ही होगा तभी ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इसमें जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो वो मैलिक या फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं उसको, मैलिक या फ्यूमेरिक। फिर से हम कॉज रिएक्शन करने जा रहे हैं बेटे। अब जैसे ये CH2, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, जब हमने एल्केन लिया था तो हमने सिंपल ये लिया था, लिया था यहाँ पे के, यहाँ पे अन्य कुछ भी ले सकते हो। जब हमने एल्कीन बनाई तो हमने ये लिया था, अब एक और बॉन्ड लगा दिया पहले, अब इसे कहते हैं मैलिक या फ्यूमेरिक। अब क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिस और ट्रांस बेटे दोनों कॉन्फ़िगरेशन बन सकती हैं। मैलिक तब कहते हैं जब सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिस, और फ्यूमेरिक तब कहते हैं जब होती है ट्रांस। ठीक है, क्योंकि ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। सिर्फ सिस ट्रांस का फर्क है, ग्रुप्स वही लगे हुए हैं। ठीक, अब इसकी भी कॉल बेस करवाओ। कैसे करवाते हो? वाटर डालते साथ में। तो आपके पास एनाइन कौन से जनरेट होते हैं, याद करो, एनाइन CH और OH नेगेटिव दो आएंगे। इसमें OH नेगेटिव नहीं रिलीज होगा, ये वाला रिलीज होगा। अब कैटायन में कौन से होते हैं? Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, सर चलो K पॉजिटिव ले लो। सोडियम सॉल्ट पोटेशियम जो मर्जी ले लो। ठीक है, अब इसको K को कुछ नहीं होगा, इधर OH को कुछ नहीं होगा, ये दोनों कंबाइन होके के OH बना लेंगे। ठीक है, अब ये H प्लस कहाँ जाएगा? कैटाइन कहाँ जाते हैं? कैथोड की तरफ। कैथोड पे जाके क्या होती है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो H प्लस से क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। हमेशा यही बनाते हो आप, H प्लस से हाइड्रोजन गैस बनाते हो जब भी कॉलबेस करते हो, और KOH या NaOH को आपस में जोड़ देते हो, यही करते हैं हम। अब जो ये बाकी बचा उसको क्या करते हो? एनोड कहाँ जाता है? एनोड कहाँ जाता है, सॉरी एनायन कहाँ जाता है? एनोड की तरफ। एनोड पे क्या होती है बेटे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। ठीक है, देयर विल बी लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसके पास अपना एक बचा, सेम वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं, तो आपके पास क्या बनता है पहले? एनओ यहां पे आप एक डॉट दिखाते हो, यहां पे आप एक डॉट दिखाते हो, और ये जो साथ वाला बॉन्ड है ये क्लीव हो जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी, ये वाला भी,
ये यहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। हर बारी आप ऐसे ही करते हो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये सी एच के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, इस सी एच के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो दोनों बीच में चले जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। डबल तो पहले था ही, ट्रिपल, हर बारी वहां पे सिंगल था डबल हो गया, और वहां पे आपको जो मिलना था तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। तो मींस प्रिपरेशन मोर और लेस सिमिलर होती है बेटे, जस्ट आपने ये चेकआउट करना है कि इसकी कौन सी डिफरेंट है। इसकी डिफरेंट है दैट इज हाइड्रेलकाइन, जहां पे डिफरेंट है वहां पे क्वेश्चन है, जहां पे सेम है वहां पे किसने पूछना, कोई नहीं पूछता ठीक है। एक होती है आइडोफोम प्लस सिल्वर, वो भी एक रिएक्शन होती है, उसमें भी अकेली यही बनती है। बनाओ बेटे हाइड्रोफोम क्या होता है, CHI3, राइट डाउन 2 मोल्स ऑफ CHI3, उसको सिल्वर के साथ रिएक्ट करो, 2 मोल्स ऑफ CHI3 दैट इज आइड। बेटे ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये तीनों होती हैं कि जब 3 आयोडीन 3 ब्रोमीन 3 क्लोरीन लगे हो और एक हाइड्रोजन लगाओ, मींस आप मिथेन में से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन ले आओ तो ये हेलोफॉर्म्स बन जाती हैं। समझ आ रही है, अगर फ्लोरीन का स्टेबल नहीं होगा ठीक है। तो जैसे आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो आप छोटे बचपन से करते आ रहे हो, एनेस्थीसी है जी, है ना। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, तो आइडोफॉर्म को लो, उसको सिल्वर से ट्रीट करो, 2 मोल्स लो, ले लिए, बस उसकी एल्काइन बना दो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बस एक ही एल्काइन बनेगी, साथ में सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगी आई। ठीक है, अब आ जाओ बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम वही, किस छोड़ नीचे वाले मेंबर गैसेस होंगे, फिर लिक्विड होंगे, फिर सॉलिड होंगे, मगर इनकी अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सेम वही कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। इनमें कुछ खासियत नहीं है, बस खासियत ये है कि ये थोड़े लीनियर होते हैं, जब ये लीनियर होते हैं तो ये क्लोज पैकिंग ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, सीधी सीधी चेन में क्लोज पैकिंग ज्यादा अच्छे से हो सकती है, क्योंकि ब्रांचेस तो होनी नहीं है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले की इथाइन की, तो एक एक हाइड्रोजन ही लगा हुआ है आसपास, सिस ट्रांस की तो बात ही नहीं, सीधी सीधी है, तो क्योंकि इनका स्ट्रक्चर मोर और लेस लीनियर होता है, इसको कहते हैं, जब चीज लीनियरली अरेंज होगी उसकी क्लोज पैकिंग इजिली कर पाओगे, जितनी ब्रांचिंग होगी उतनी क्लोज पैकिंग मुश्किल से होगी, समझ आ रही, कंपैक्ट नहीं होगी। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एल्कीन से वो ज्यादा हो जाता है, बस दैट्स इट, क्योंकि इनकी लीनियर अरेंजमेंट है ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि क्योंकि दे आर लीनियरली अरेंज दैट इज वाई दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू एल्कीन, एल्कीन ऑफ द सेम जितने कार्बन मेंबर है। जैसे अब अगर मैं इथेन की बात करूं तो 3 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके, है ना। अगर मैं इथाइन की बात करूं 2 हाइड्रोजन लगे हैं इसके पास, तो है ही एक कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन ठीक। अब आ जाओ अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आपने कर ली है, दैट इज एसिडिक नेचर, कि एल्काइन शो एसिडिक नेचर इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडा माइड एंड लिक्विड अमोनिया, एंड यू कैन सिंथेसाइज हायर एल्काइन। और भी रिएक्शन है कॉपर के साथ, विल टेक ओवर आफ्टरवर्ड्स। देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगेन, राइट डाउन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
अभी लगाया, अभी लगाया है। ठीक है बेटे, अब चलो अगर मैं आपको इथीन को, इथीन नहीं छोड़ो, प्रोपीन बनाओ, प्रोपाइन नहीं प्रोपीन बनाओ, बन गया। प्रोपीन को एचसीएल के साथ रिएक्ट करो तो क्या बना था आपका? मार्कोनिक ऑफ रूल ने क्या समझाया था आपको? कि नेगेटिव पार्ट गो टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर प्रोपीन में जब आप एचसीएल ऐड करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है? इसका नेगेटिव पार्ट क्या है? सीएल। तो क्या आंसर आ रहा है आप? टू क्लोरोप्रोपेन आ रहा है, यू विल गेटिंग अ टू क्लोरोप्रोपेन। अब प्रोपीन की जगह पे प्रोपाइन ले लो और फिर से एचसीएल ऐड करो, अच्छा आप ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। तो वो भी तो ऐड ही होते जाके, तभी तो टू क्लोरोप्रोपेन बनेगा। प्रोपाइन लो, प्रोपाइन। सी दिस इज योर प्रोपाइन, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग ऑन स्पीशीज विल गो टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो यू विल गेट दैट इज टू क्लोरोप्रोपीन। सेंटर में क्लोरीन जाएगा ना, वहां पे हाइड्रोजन नहीं है, और लास्ट वाले पे हाइड्रोजन है, वहां पे एच जाएगा, क्योंकि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उसके ऊपर जाना है ना आपका नेगेटिव पार्ट। अरे बेटे हाइड्रोजन था ही नहीं यहाँ पे, अब फिर से एचसीएल से ऐड करो। ये जो बना है बेटे इसको फिर से इसमें एक्सेल डालो, तो बनेगा टू टू डाई क्लोरो। पता चल गया, बस आपने ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, दैट्स इट। समझ आ गई? अब आपके पास ब्यूट वन आइन है, सेम ऐड करो, ब्यूट वन आइन, ब्यूट वन आइन। फिर ऐड करो बेटे, ये तब तक एडिशन चलती जाएगी जब तक ऐड हो सकता है, दिस इज अगेन अनसेचुरेटेड। अगर वन मोल लिखा आएगा तो वहां पे स्टॉप हो जाते हो, अगर टू मोल लिखा आएगा मींस यू कैन ऐड, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो टू मोल्स ही ऐड करने हमने, कि एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ब्यूटेन। ठीक है, अब लेट अस ऐड वाटर, यू हैव प्रोपाइन ना, यू हैव प्रोपीन,
पहले प्रोपीन उठाओ फिर ही प्रोपाइन समझो। एक प्रोपीन उसमें वाटर ऐड करो तो क्या आंसर आ रहा है आपको? प्रोपीन में जब वाटर ऐड करोगे, वाटर का नेगेटिव क्या है? OH नेगेटिव। वाटर का पॉजिटिव क्या है? H पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव कहाँ जाएगा?